हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। तो आज ये सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे डेली यूजफुल वर्ड्स इन कंस्ट्रक्शन वर्क। आपने देखा होगा जो हाउस प्लान होता है, हाउस प्लान के अंदर जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, जैसे आपका लॉबी होता है, लॉन होता है, आपका पैसेज होता है, तो उनको क्या बोला जाता है। मतलब काफ़ी ये होता है कि जो फ्रेशर्स होते हैं या फिर अपना घर बना रहे हैं तो नया नया उनको जानकारी नहीं होती है, तो हाउस प्लान के अंदर जो भी वर्ड्स होते हैं उनको हम बताएंगे कि कैसे हम उनको यूज करना है, कैसे उनको बोला जाता है। जो बेडरूम्स होते हैं, आपका लॉबी होता है, लॉन होता है, आपका पैसेज होता है, पोर्च होता है, ठीक है। तो हाउस प्लान के अंदर हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं। तो पार्ट वन में हमने सीखा था काफ़ी इंपॉर्टेंस के वर्ड्स के बारे में। पार्ट टू है, पार्ट थ्री के हम सीखेंगे कि बेडरूम हम कहाँ बनाए अपने हाउस प्लान के अंदर, वो कहाँ बनाना चाहिए आपका एक आइडियाज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे किचन है, किचन कहाँ पे दे अपना, पैसेज है कहाँ पे बनाए हाउस प्लान के अंदर, तो पूरा डिटेल के साथ जानेंगे। काफ़ी लोग ठेकेदार होते हैं, ठेकेदार क्या करते हैं कि खुद से बना देते हैं, तो खुद के आइडियाज़ से बना देते हैं, क्योंकि वो जब घर बन जाता है तो आपको कन्फ्यूज होती है, हाँ ये नहीं यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहते हैं। जब आप एक आर्किटेक्ट से बनवाते हो तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है कि हाँ हाउस प्लान जब भी है सेटलमेंट प्रॉपरली से हो चुके हैं एज पर आई रिक्वायरमेंट प्लस आपका जो प्लॉट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका लॉबी, तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज आते हैं, लॉबी आपके हाउस प्लान के अंदर बनाया जाता है, तो लॉबी किसको बोलता है। तो लॉबी होता है आपके घर के बीचों बीच बैठने की जगह, ठीक है। जैसे आपका ये हाउस प्लान होता है, तो हाउस प्लान में जैसे चारों तरफ से कमरे आते हैं, तो कमरे के अंदर से जो भी आपका एंट्रेंस होती है, ठीक है, आपका एंट्रेंस हो जाती है, एंट्रेंस के अंदर जो लॉबी रहता है, सिटिंग प्लान आपका जब बैठा है, यहाँ पे गेस्ट रूम हो सकता है, क्योंकि पूरा जो एरिया खाली रहता है, मतलब हवा के लिए भी रहता है, प्लस आपका जो चारों चार कमरे होते हैं यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो आसानी से, तो उसके लिए भी ये यूज़ रहता है, ठीक है। तो इसको हम लॉबी बोलते हैं, जो पूरे सभी हाउस प्लान के अंदर जो बीचों बीच बनाया जाता है, ताकि जो सभी एंट्रेंस है वहाँ पर कर सके, जाके वो छोटे बच्चे हैं वो भी आराम से यहाँ पर खेल सकते हैं इस एरिया में, ठीक है। तो दूसरा है हमारा लेटरिन। तो लेटरिन को क्या बोला जाता है, तो लेटरिन है या फिर WC होता है। देखिए काफ़ी लोग क्या करते हैं, WC बोलते हैं, वाटर क्लोजेट। तो वाटर क्लोजेट होता है बैठने वाली जो जगह होती है, ठीक है, और लेटरिन भी इसको बोल देते हैं। तो लेटरिन को हम बोलते हैं शौचालय, ठीक है। तो लेटरिन को आप शौचालय भी बोल सकते हो। जैसे लॉबी है, तो लॉबी के पास में आपका जो बेडरूम होता है, तो मास्टर बेडरूम एट बेडरूम, मास्टर बेडरूम थोड़ा इसमें सभी चीज़ आती है, TV है, अलमारी है, सोफ़ा है, तो मास्टर बेडरूम। तो उसके अंदर आपने देखा होगा बाथरूम, तो यहाँ पे ये जो बात है यहाँ पे इसमें अटैच है, तो ये जस्ट क्या करते हैं, अगर इसको अलग अलग कर देते हैं तो जस्ट ओनली एक लैट्रिन कर देते हैं, ठीक है, शौचालय। तो ये जो इतनी जगह है इसको आप लैट्रिन बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है टॉयलेट। तो टॉयलेट नहाने और शौचालय जो इकट्ठे बने होते हैं, जैसे कि आपका ये वाला टॉयलेट होगा, ये वाला जो एरिया ये पोर्शन रहता है ये आपका टॉयलेट, तो इसके अंदर आपका वाटर क्लोजेट भी रह जाता है प्लस का बाथिंग भी रह जाता है, दोनों नहाने का और शौचालय का दोनों चीज़ हो जाती है, तो ये हमारा क्या रह गया आपका टॉयलेट, ठीक है। जैसे आपने कहीं सर्विस में जाते हो या मेट्रो में या फिर बसों में जाते होंगे, तो वहाँ पर लिखा रहता है सामने ये टॉयलेट, ये लेडी टॉयलेट या आपका जेंट्स टॉयलेट, तो उसके अंदर अटैच होते हैं, मतलब आपका वाटर क्लोजेट भी और बाथ नहाने का भी दोनों अटैच होते हैं वहाँ पर, ठीक है, एक ही गेट के अंदर, मतलब एक ही मतलब मेन गेट एक रहता है, अंदर से कुछ भी गेट हो सकते हैं अलग अलग। तो दूसरा हमारा कपबोर्ड। तो कपबोर्ड होता है कपड़े रखने की अलमारी, जैसे कि हमारा ये अलमारी है, जैसे हमारा मास्टर बेडरूम है, तो मास्टर बेडरूम या फिर बेडरूम, तो यहाँ पे CB, तो CB होगा कपबोर्ड। तो जो अलमारी होती है, जैसे कि आपका आपका RCC बना सकते हो, RCC स्लैब बना सकते हो, आजकल जो फ्यूचर में जो प्रेजेंट में जो चल रहा है वो कोटा स्टोन की बना रहे हैं, कोटा स्टोन या फिर वुडन की अलमारी बनाते हैं, वुडन की या फिर आपका कोटा स्टोन की बना देते हैं, उसमें खर्चा टाइम खर्चा बच जाता है, लागत बच जाती है। अगर आप RCC बनाते हो तो फ्यूचर में आप तोड़ने की कोशिश करते हो या फिर, ठीक है, तो RCC में जो बनाते हैं जिनका बजट थोड़ा कम होता है, और कोटा स्टोन में अच्छा रहता है, उसकी जो RC थिकनेस होती है स्लैब की 25 mm होती है, तो या फिर आपकी 20 mm भी होती है, तो उसमें थिकनेस में कम हो जाता है, तो बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है उसमें। उसके बाद हमारा होता है लॉफ्ट। तो लॉफ्ट का क्या होता है, द्विछतित। आपने देखा होगा जो लॉफ्ट आपने घर वाली जनरली जो घरों बना होते हैं, विलेज है, शहर है, या फिर उसके अंदर काफ़ी होता है कि जैसे बेडरूम होता है, यहाँ पे जो एंट्रेंस रहता है या फिर कोई कमरा रहता है, तो उसके अंदर से अलमारी ना बनाकर यहाँ पे एक द्विछती बना देते हैं, ठीक है, या तो टॉयलेट यहाँ इस टॉयलेट के ऊपर ही, जैसे यहाँ पे एक टॉयलेट होता है, जैसे टॉयलेट नीचे जो इसका जो गेट रहता है, गेट हमारा कितना रहता है 7 फीट का, गेट हमारा हाइट कितनी रहती है 7 फीट, तो 7 फीट के ऊपर हमारी जो टोटल हाइट है सीलिंग फर्श फ्लोर टू सीलिंग जैसे कि 10 फीट है, तो हमारे 3 फीट हमारा बच जाता है, तो 3 फीट हमारा इसमें क्या बना देते हैं ऊपर लॉफ्ट बना देते हैं, इसको द्विछत्ती भी जनरली भाषा में आप बोल सकते हो, द्विछत्ती उसको लॉफ्ट बोल देते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमारा पैसेज, पैसेज क्या रहता है, हमारा रास्ता रहता है। तो पैसेज हमारा, जैसे कि आप, जैसे कि हमारा ये वाला जो पार्किंग वाला, ये गाड़ी है तो गाड़ी के अंदर जो साइड में दे देते हैं पैसेज दे देते हैं वाइड, ठीक है। तो पैसेज देते हैं 5 फीट। अगर हमारा दोनों तरफ से कमरे बना रहे हैं तो उसको यहाँ पे भी बीच में पैसेज दे देते हैं कि इधर भी रूम है आपके, इधर भी रूम है। वो क्या करते हैं, जैसे कोई रेंट पर्पज़ के लिए हैं, जैसे कोई रेंट पर्पज़ के लिए हैं, जैसे कि इधर चार इधर रूम रूम बना देते हैं, इधर भी रूम बनाते हैं, तो बीच में हमारा एक पैसेज हो जाता है दोनों साइड से, आप उसमें बना सकते हो। जैसे एक बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग के अंदर बीच में से पैसेज दिया जाता है ताकि दोनों का एंट्रेंस हमारा बीच में से पैसेज से हो जाए। तो इसी तरह हमारा जैसे हाउस प्लान है तो रियर देखो, बैक साइड, सेट बैक और साइड में रियर, रियर साइड, ठीक है। तो पैसेज हमारा 5 फीट का जो साइड दे देते हैं यहाँ पे, पैसेज इसको बोल देते हो, ठीक है। क्लियर हो गया, ये पैसेज इसको बोला जाता है। उसके बाद हमारा सातवां पॉइंट है टेरेस। टेरेस कौन सा होता है, टेरेस और रूफ और स्लैब काफ़ी लोग कंफ्यूज आते हैं। एक तो हमारा होता है स्लैब, एक होता है टेरेस, ठीक है। स्लैब टेरेस तो एक रूफ होता है, ठीक है। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस रह गया, देखो। टेरेस होता है हमारा छत, मतलब ऊपर का, जैसे हमारा कोई कमरा बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा कोई कमरा है तो कमरे के ऊपर जो लास्ट का जो पोर्शन होता है, ये वाला जो ऊपर का होता है, ऊपर का ये होता है हमारा टेरेस। और जो उसका जो नीचे का होता है इसको बोलते हैं सीलिंग, ठीक है। ये हमारा जो नीचे का जो होता है सीलिंग और ऊपर का होता है हमारा टेरेस। और जो ये पूरी स्लैब, इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लैब। काफ़ी लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको, लेंटर बोल देते हैं। लेंटर तो इंग्लिश में इसको स्लैब बोला जाता है। एक तो ये स्लैब हो जाती है, एक आरसीसी स्लैब हो, जैसे कि कोई मार्बल की स्लैब है उसको स्लैब बोलते थे। मार्बल की जो पूरी की पूरी जो स्लैब है उसको स्लैब बोल देते हो। या फिर आपने कोई आरसीसी का रोड बनवाया है तो उसमें बोलते हैं सीसी स्लैब डाली है, या फिर फ्लू फ्लू स्लैब डाला है, तो वो आपका पेमेंट हो जाता है। तो उसका जो उसको पेमेंट बोला जाता है रोड के अंदर, ठीक है, उसको पेमेंट। या फिर जो टाइल्स हैं, टाइल की जो बड़ी बड़ी जो टाइल्स होती हैं, और या फिर मार्बल होता है, बड़े बड़े मार्बल्स होते हैं, उनको भी स्लैब बोल देते हो, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई और थिकनेस थोड़ा कॉमन होती है, ठीक है। तो इसी को भी हम यहाँ पे इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया, टेरेस और सीलिंग और प्लस हमारा स्लैब के अंदर डिफरेंस हो गया। और रूफ हमारा होता है छत, ठीक है। तो रूफ हम बोलते हैं कि फर्स्ट फ्लोर, कौन सी रूफ है हमारा, जैसे कि हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको फ्लोर बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हमारी ये रूफ भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट रूफ है, सेकेंड रूफ है, इसको छत बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इसके अंदर। हमारा आठवां पॉइंट है सनसेड। तो सनसेड होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे कोई इसको शेड डालना है, तो इसको शेड जो धूप से और बरसात से बचने के लिए उसको शेड डालते हैं। जैसे कि हमारा ये जो चीज़ हो गया, ये हमारा सनसेड हो गया, इसको भी सनसेड बोला जाता है, ठीक है। सनसेड और सनसेड, उन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा, ठीक है। सनसेड उसको बोला जा सके, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री आपने देखा होगा, जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के अंदर साइड में दोनों तरफ से उसको बोलते, दोनों तरफ पिलर बना के उसके ऊपर टीन चद्दर डाल देते हो पानी से, धूप से, बरसात से बचने के लिए, तो वो सेड हो जाता है सनसेड, ठीक है। और एक आपका दरवाजे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये आपके विंडो है, यहाँ पे आपका ये विंडो है, यहाँ पे एक एंट्रेंस डोर है, तो उसके ऊपर भी एक सेड बना देते हैं, छज्जा इसको आप बोलते हो, छज्जा उसको बोलते हो आप, ठीक है। तो उसको भी आप सनसेड बोल सकते हो, धूप से और बरसात से बचने के लिए। सनसेड और सनसेड दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। नौवां पॉइंट हमारा रूफ प्रोजेक्शन। तो रूफ प्रोजेक्शन कौन सा होता है, छत सतह पर बाहर की तरफ बढ़ा हुआ भाग। तो रूफ प्रोजेक्शन हमारा ये रहता है, जैसे कि ये प्रोजेक्शन है हमारा रूफ का, जैसे हमारी पूरी छत होती है, लेंटर हम जो डालते हैं, स्लैब डालते हैं, तो ये हमारा ये प्रोजेक्शन हो जाता है, ये जो फ्रंट का वाला है, ठीक है। तो रूफ की प्रोजेक्शन बना देते हैं पूरा पूरा डिजाइन विजाइन बना के इसके अंदर। उसके बाद हमारा दसवां पॉइंट पैरागोला। तो पैरागोला डिज़ाइन द्वारा उभरी या छत की जगह, अपने पैरागोला देखा होगा ना, ये आपकी पूरी जो स्लैब होती है, पूरी जो छत का टेरेस होता है, इसके अंदर जो बरसात का मौसम होता है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउन बना गोला, थोड़ा सा ये पैरागोला बना देते हैं इसके अंदर, ताकि जो बरसात का जो पानी है ये थोड़ा डाउन रहे। और बरसात का पानी क्या रहता है, पूरा इकट्ठा एकदम से बहुत ज़्यादा पानी जाता है, तो ये इतना डाउन कर देते हैं ताकि ये पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाए फटाफट, जल्दी जल्दी इसमें पाइप से निकलता रहे, ठीक है। यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है बरसात का पानी और जल्दी से यहाँ पे निकलता रहता है, तो ये थोड़ा डाउन कर देते हैं, ये पोर्शन इस स्लैब से थोड़ा डाउन कर देते हैं यहाँ को, तो इसको पैरागोला बोलते हैं। उसके बाद हमारा बाउंड्री वाल। तो बाउंड्री वाल तो हर कोई जानता होगा, बाउंड्री वाल को बोलते हैं मकान की चारों तरफ दीवार। जैसे ये हमारा कोई मकान है और ये इसको बोलते हैं बाउंड्री वाल, ये वाली जो वाल है ये तो हमारा कमरे के अंदर आ जाती है स्लैब के अंदर, तो ये वाली हो गई हमारी बाउंड्री वाल। तो ये वाली भी हमारी क्या हो जाती है, पूरी ये रियर साइड साइड का बैक हो जाता है, रियर साइड बैक और फ्रंट हमारा, ठीक है, रियर और बैक साइड। तो ये जो सामने वाली हो गई, ये वाली हमारी हो गई, हो जाती है बाउंड्री वाल।
उसके बाद हमारे देखते हैं साफ्ट। तो साफ्ट होता है शौचालय या फिर रसोई आदि के साथ जो हवा बनाते हैं साफ्ट, जैसे कि हमारा सर्विस साफ्ट, सर्विस साफ्ट बोल सकते हो, साफ्ट बोल सकते हो। जैसे कि हमारा ये टॉयलेट या बाथरूम है, जैसे कि हमारे बाथरूम है, तो बाथरूम के अंदर यहाँ पे एक इधर से या फिर कोई अंदर से बना सकते हो, इधर से भी, इधर से बना सकते हो या फिर इधर से बना सकते हो। तो ये अगर इसमें कोई जगह आपके पास नहीं है, पीछे बाय द वे कोई जगह आपके पास खाली नहीं है, तो ये पूरी वॉन्ड्री वॉल है, तो इसके अंदर एक सर्विस साफ्ट बना दिया जाता है। ये पूरी खाली रहती है, पूरी ये दीवार बना दी जाती है ऊपर तक, जैसे कि लिफ्ट होता है ना, जैसे लिफ्ट होती है एक लिफ्ट की तरह ही ये भी सिंपल एक खाली हो जाता है, पूरा ऊपर तक खाली होता है। तो ये किस पर्पज़ के लिए, एक तो आपकी हवादार रोशनी के लिए, बाथरूम है जैसे किचन है उसके लिए रोशनी के लिए। सेकंड बेनिफिट इसका ये रहता है कि जो आपके सर्विस पाइप होते हैं, जो आपके वेस्ट पाइप होते हैं जैसे किचन का है बाथरूम का है, तो उसका जो वेस्ट पाइप होते हैं पानी के लिए, जो ड्रेनेज के लिए प्लस इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी उसमें से पानी पाइप लाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए सर्विस साफ्ट बनाया जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट सेप्टिंग टैंक। तो सेप्टिंग टैंक कौन सा रहता है, तो सीवरेज इन्हें होने पर काफ़ी लेयर क्या होता है सेप्टिंग टैंक घरों के अंदर, जैसे कि कोई सीवर लाइन नहीं है बाय द वे बाहर की तरफ, कोई रोड में आपके जिस कोई सी विलेज के अंदर रहते हो, किसी शहर के अंदर ऐसी जगह रहते हो कहाँ पर जहाँ पर सीवर लाइन नहीं है, तो वहाँ पर सेप्टिंग टैंक घरों के अंदर ही बना दिए जाते हैं। सबसे बेस्ट रहता है कि जैसे कि हमारा ये हमारा मेन एंट्रेंस रहती है, तो सर्विस सेफ्ट अगर यहाँ पे आप क्या बोलते हैं इसको, अगर वाटर टैंक आप यहाँ पे बना रहे हो तो कोशिश कीजिए कि सर्विस सेफ्ट पीछे बनाएं, तो वाटर टैंक सबसे बेस्ट रहता है कि पीछे ही बनाया जाता है, ताकि इसका जो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस हमारा कॉमन बना रहे, और यहाँ पर सर्विस सेफ्ट बना दे, यहाँ पर सेप्टिक टैंक बना दिया जाता है, ताकि हमारा जो क्या बोलते हैं इसको सफाई के लिए, क्योंकि इसको 1 साल या फिर 2 साल या फिर आपको 6 महीने में इसको सफाई की जरूरत होती है, जो इसका सेलज वलज होता है पापा मिनिमम 5 साल, इसके स्पेस बेस पे डिज़ाइन किया जाता है कि इसको सफाई कितने दिनों में करें, क्योंकि फिल हो जाता है प्रॉपरली, सलज जो होता है जो मलबा सलबा होता है इसके अंदर भरता है, उसका लेटरिंग जो आपका किचन बाथरूम आपका जो टॉयलेट होता है उसका जो वेस्टेज होता है सारा कहाँ पर जाता है, सर्विस उसमें सेप्टिक टैंक के अंदर जाता है, ठीक है, तो वो आराम से बाहर जो बार आते हैं तो प्लस आराम से हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है बेसमेंट। तो बेसमेंट और इसको बोलते हैं तहखाना, जैसे कि हमारा हाउस प्लान है ग्राउंड फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर से भी एक नीचे बनाया जाता है बेसमेंट का, वो बेसमेंट किसी पार्किंग के लिए, कार पार्किंग के लिए या फिर कोई कार पार्किंग नहीं होता है या फिर बड्डे बड्डे पार्टी होती है तो उसके लिए बेसमेंट नीचे बना दिया जाता है। तो ये जस्ट यही कॉमन इस बेनिफिट रहता है इसका, क्योंकि ज़्यादा कोई गेस्ट हो जाते हैं उसको ठहराने के लिए बेसमेंट बना दिया जाता है, जैसे कि कोई 3 फ्लोर की बिल्डिंग है तो उसमें बेसमेंट बना दे सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, कि उसमें कई बेनिफिट रहते हैं आपका कार पार्किंग के लिए हो जाता है, दूसरा हमारा कोई पार्किंग या कोई बड़े पार्टी बनानी है, कोई शादी करनी है तो उसमें आप आसानी से कर सकते हो, छोटे मोटे प्रोग्राम में सकते हो, फिर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो काफ़ी लोग क्या करते हैं पार्टी में या फिर शादी में तो एक दिन पहले गेस्ट आ जाते हैं तो वहाँ पर आप उसको ठहरा सकते हो गेस्ट नीचे बेसमेंट के अंदर सबसे नीचे होता है, ठीक है, पूरा खुला रहता है, ये कॉलम वॉलम रहते हैं वो अपनी जगह पर बना दिए जाते हैं। उसके बाद 15 पॉइंट बेयरिंग कैपेसिटी। तो बेयरिंग कैपेसिटी क्या रहती है, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तो ज़मीन की जो बाहर होता है, जो ज़मीन जैसे कि आपने ये फुटिंग बनाए, ठीक है, आपने ये फुटिंग बनाना है, आपने ये फुटिंग बनाई, तो फुटिंग के ऊपर जैसे कॉलम होता है, कॉलम या फिर बाउंड्री वॉल है या फिर आपकी इस कॉलम इसकी जो वॉल है आपकी, ठीक है, कमरे की वॉल होती है, तो उसको कितना बर्दाश्त करे, पूरे स्ट्रक्चर का लोड कहाँ पे जाता है आपके मिट्टी के ऊपर जाता है, क्योंकि आप फाउंडेशन बनाते हो तो फाउंडेशन जो मिट्टी होती है इतना बेयरिंग कैपेसिटी ले सके ताकि, ठीक है, तो इतनी गर्म, अलग अलग जगह पे अलग अलग उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो चेक कर ली जाती है कि उस पर लोड कितना आने पर कितना इफेक्ट पड़ता है। काफ़ी लोग क्या पूरा स्ट्रक्चर रहता है, अगर यहाँ पे बेयरिंग कैपेसिटी थोड़ा अलग अलग डिफरेंस है तो उसका पूरा डिज़ाइन कर लिया जाता है, कॉलम का इसी बेस पे फुटिंग का डिज़ाइन कर लिया जाता है ताकि हम इसके फुटिंग की जो चौड़ाई है इसी बेस पे इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे कि कहीं पर रिक्वायर्ड रहती है 1200 mm, कहीं पर रिक्वायर्ड रहती है 1500 mm, कहीं रिक्वायर्ड रहती है 2000 mm, तो कहीं पे रिक्वायर्ड रहती है पूरी पूरी राफ्ट बनाने के लिए, तो इसी बेस पर डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो मिट्टी है वो उसकी देखा जाता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, बेयरिंग कैपेसिटी कितना बर्दाश्त लोड कर सकती है वो। छठा पॉइंट है ब्रिक पेविंग। तो ब्रिक पेविंग कौन सा होता है, जहाँ पे ईंटों का फरश बना दिया जाता है, जैसे कि ईंट जगह जगह बिछा के, जैसे कि कोई ये फ्लोर है तो यहाँ पे क्या करते हैं ईंटें इस तरह से लेयर बिछा दी जाती है खड़ी टाइम खड़ा कर सके या फिर फ्लोर बना सके, ठीक है, एक जैसे कि इंटरलॉक होता है, काफ़ी लोग फ्लोर होता है ना इंटरलॉक पेविंग, जैसे कि इस तरह की इंटरलॉक होती है, ठीक है, तो इस तरह की कोई इंटरलॉक होती है, तीन तीन कोने होते हैं इसमें, ठीक है, तो इंटरलॉक पेविंग, तो इस तरह जो
जॉइंट होते हैं, तो इस तरह इसको भी पेविंग बोलते हैं। तो ठीक है, तो ब्रिक इसमें अलग अलग आ जाता है, इंटरलॉक पेविंग, ब्रिक पेविंग, जो उसका फरस बना दिया जाता है। सातवां पॉइंट है कंपेक्शन। तो कंपेक्शन क्या रहता है, कुटाई। जैसे कि आपका ग्राउंड फ्लोर आपने बनाया, तो वहाँ पे मिट्टी आपने भरी प्लिंथ बीम के अंदर, प्लिंथ बीम में, प्लिंथ प्लिंथ लेवल पे मिट्टी आपने भराई करी, तो उसका प्रॉपरली से कॉम्पेक्शन होना चाहिए। जैसे कि रोड का है, जैसे रोड आप बना रहे हो, तो रोड का भी वहाँ पे प्रॉपरली से रोलर से कंपेक्शन होना चाहिए, तो उसको कंपेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अच्छी से मिट्टी का जो दबाव है बैठ जाए। जैसे कि आपका रेत है, फाइन सैंड है, फाइन सैंड आपने डाला तो प्रॉपरली से कंपेक्शन किया। उसके आपने वाइब्रेट, जैसे कंक्रीट डाली तो कंक्रीट कॉलम के अंदर डाली है, तो उसका प्रॉपरली से कंपेक्शन कैसे होगा, तब उसमें आप अच्छे से सरिये से डाल सकते हो। उसका जो गीली है तो उसमें सरिया डाल दीजिए, सरिये से अच्छे से कंपेक्ट कर दीजिए। अगर आपके थोड़ा टाइट कंक्रीट है तो उसमें वाइब्रेटर से उसको कंपेक्ट किया जाता है। ठीक है, आठवां पॉइंट है फॉल्स सीलिंग। तो फॉल्स सीलिंग कौन सा होता है, नकली या फिर दिखावटी या फिर डिज़ाइन वाली जो बना देते हैं। आज के जो मॉडर्न टाइप में जो चल रहा है, प्लस माइनस पीओपी चल रहा है, या फिर प्लास्टर कर देते हैं, और थर्ड हमारा फॉल्स सीलिंग बना दी जाती है, जिसमें डिज़ाइन बना दिए जाते हैं नीचे। ठीक है, जिसके अंदर इस तरह से डिज़ाइन बना दिए, इसमें अलग अच्छे अच्छे लाइट बना दी जाती है। 19वां पॉइंट है क्वान्टिटी। क्वान्टिटी क्या, क्वांटिटी क्या होती है, मात्रा, और क्वालिटी क्या होती है, गुणवत्ता। जैसे कि किसी कम, जैसे कि कितनी क्वालिटी, कितनी हमें क्वांटिटी चाहिए, जैसे ब्रिक्स, कितनी क्वांटिटी ब्रिक्स लग जाएगी हमारे फ्लोर के अंदर, या फिर हमने कम घर बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स क्वांटिटी लगे, कितने सीमेंट क्वांटिटी लगेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे किसको बोलते हैं, क्वांटिटी बोला जाता है। और क्वालिटी, क्वालिटी इसको बोला जाता है कि जैसे सीमेंट है, ईंट है, आपका सरिया है, उसकी क्या क्वालिटी है, मतलब क्वालिटी मतलब होता है इसकी जाँच, गुणवत्ता, उसकी पहचान। जैसे कि ब्रिक उसका हमारा स्टील है, स्टील के अंदर उसकी क्वालिटी टेस्ट करने के लिए हम उसका हार्डनेस टेस्ट करेंगे, उसका हमारा हार्डनेस टेस्ट करेंगे, प्लस उसका बैंड टेस्ट करते हैं, तो काफ़ी टेस्ट करते हैं। जैसे ब्रिक है, ब्रिक का हम क्या करते हैं, अपना साउंडनेस टेस्ट करते हैं, उसका नीचे गिराते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, तो क्वालिटी देखी जाती है, एजिंग टेस्ट, जैसे उसकी प्रॉपरली से ब्रिक शेप में है या नहीं है, तो उसको हम गुणवत्ता बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन हमारे जो वर्ड्स है यूज होते हैं। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर सीखेंगे कि हम नक्शा बना रहे हैं, तो नक्शा बनाने में हम फ्रंट कहाँ पे दे, बेडरूम कहाँ पे दे बनाना चाहिए, या फिर ऑफिस कहाँ बनाना चाहिए, प्लस हम पार्किंग का पोर्च कहाँ बनाएँ, बेडरूम कहाँ बनाएँ, तो किस किस के बेस पर हम डिज़ाइन करते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।